हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर वन आगे प्रोसीड करेंगे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स ये सब पढ़े थे। उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? तो उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, अगर लिख सकते हैं तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। हमने लिया ज़ीरो अपॉन वन। अब ज़ीरो अपॉन वन क्या होता है? ज़ीरो। अब ले लिया ज़ीरो अपॉन टू, ये भी क्या होता है? ज़ीरो। एंड ज़ीरो अपॉन थ्री, ये भी क्या होता है? ज़ीरो। अब देखो, ये जो इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, पी है और क्यू है, दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, दोनों इंटीजर्स हैं और जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और इसमें भी दोनों ही इंटीजर्स हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और क्यू कैसा है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसने क्या किया, ये तीनों कंडीशन इसने प्रूव कर दी। सो ज़ीरो सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, हेंस ज़ीरो इज रैशनल नंबर। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सॉल्व होता है। तो देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के बीच में हमें क्या निकालने हैं? रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बच्चों, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के बीच में बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है, हमारे को एक ये नंबर दे रखा है और एक ये नंबर दे रखा है, पहले इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अभी देखो, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? सेवन। उसके बाद ये देखो, थ्री को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? सेवन से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? सेवन से। तो सेवन थ्री जा 21 एंड सेवन बन जा 7। अब नेक्स्ट हमारा जो, ये तो हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बी। तो अभी देखो, 4 इंटू 7 और 1 इंटू 7, तो ये क्या बन गया? 28 अपॉन 7, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए? ये दो रैशनल नंबर्स आ गए। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स को अगर मैं कट करूँगी तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बिकॉज 7 बन जा और 7 3 जा, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे जो ये दो रैशनल नंबर है, 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7। अब देखो, इनके बीच में हम कितने सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 22 अपॉन 7, ये भी हमारे 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो ये देखो, इनके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हमने लाई करवा दिए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपका अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में हमें फाइव रैशनल नंबर्स निकालने। तो देखो, फर्स्ट मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे वो है, देखो इसको हमें मान लेना है ए और इसको बी। अब ये देखो, अ रैशनल नंबर
बिटवीन ए एंड बी, इसका क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी अपॉन टू। अब हमने ए इसको माना है, बी इसको माना है, तो अब इसको देखो हम नेक्स्ट जो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है, 3/5 प्लस 4/5/2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/10। अब ये जो 7/10 है ये कहाँ पर लाई करता है, 3/5, 7/10 और 4/5 इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमने इसको ए और बी माना था, अब नेक्स्ट हम जब रैशनल नंबर निकालेंगे अपना सेकेंड, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको तो मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो अभी देखो क्या लिखेंगे, 3/5 प्लस 7/10 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13/20। ठीक है, ये भी अब किन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हो गया, इन दोनों के बीच का। अब 3/5, 13/20, 7/10 एंड 4/5। इसी तरह से अब हम इसको ए और बी मानकर इस तरह से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो देखो। ठीक है, सेकंड मेथड के अंदर क्या है, 3/5, सबसे पहले इस ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ठीक है, तो ये आ गया 3 को हम जब हम 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30/50। इसी तरह जो हमारी दूसरी टर्म है, टर्म बी है, उसको भी हमें ऐसे करना है, 4/5 इंटू 10 और यहाँ पर भी 10, तो अभी ये आ गया 40/50। अभी देखो हमें किन किन बीच के ये रैशनल नंबर निकालने हैं, 30/50 से लेकर कौन से तक, 40/50 तक। अभी देखो इसके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स, कितने सारे रैशनल नंबर्स होंगे, 31/50, 32/50, 33/50, हाँ 34/50, हमें निकालने कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 35/50। तो ये भी सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स है, किन के बीच में, इन दोनों टर्म्स के बीच में। तो हम इस क्वेश्चन को इन दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी करोगे दो। देखो बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ते हैं, जो कि क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव्स अ रीज़न, हमें रीज़न बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो जो फर्स्ट है वो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? अब ये देखो बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर्स, है ना, 0 और नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर लिखूं तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, और अब ये क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये होल नंबर क्या हो गए, 1, 0, 1, 2, 3, और ये वाला सेट क्या बन गया हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, और हमारे पास इसका रीज़न भी है। अब देखो बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये देखो जो इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स कैसे होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to, ठीक है ना, ये सारे तो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब कह रहे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 up to, ये सारे। पर ये जो नेगेटिव वाले डिजिट्स है वो क्या होल नंबर में बिलोंग करती है, नहीं करती, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अभी देखो बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। चलो अब देखते हैं, एग्जांपल लेके करते हैं जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है इसके लिए। अब हमने रैशनल नंबर ले लिया 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5। अब ये जो 1/2 है या 0.5 है, क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये होल नंबर नहीं है। अब आप हम ये सोच सकते हैं 2/1, ठीक है, 2/1, 2/1 तो कैसा है, एक
रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये आ जाता है टू, तो ये होल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, बट ये वाले जो रैशनल नंबर्स हैं ये होल नंबर नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।